दोस्तों, जब जब स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें की बात होती है तो हमारे जहन में इशिता माँ की छवि आ जाती है, जिसे अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी ने इस किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया कि दर्शक इनके एक्टिंग से ज्यादा इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि दिव्यांका है ही इतनी सुंदर। पर अफसोस, इनकी खूबसूरती तो इनके एक्स बॉयफ्रेंड की पत्नी के आगे फीकी पड़ गई। जी हाँ, आपने सही सुना, अपनी खूबसूरती से सभी को मुरीद करने वाली अभिनेत्री दिव्यांका के एक्स बॉयफ्रेंड की पत्नी दिव्यांका को भी खूबसूरती में मात देती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिव्यांका के एक्स बॉयफ्रेंड की ब्यूटीफुल वाइफ से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने खूबसूरती के मामले में दी है आपकी फेवरेट अभिनेत्री को टक्कर। तो चलिए मिलते हैं इनके एक्स बॉयफ्रेंड की ब्यूटीफुल वाइफ से। टीवी इंडस्ट्री की ब्यूटीफुल खूबसूरत अदाकारा दिव्यांका त्रिपाठी अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग से ज्यादा अपनी खूबसूरती से दर्शक को दीवाना बनाती हुई नजर आती हैं। चाहे बात हो इनके मेकओवर की या बात हो इनके हेयर स्टाइल की, ये हर तरह से टीवी इंडस्ट्री में खूबसूरत अभिनेत्रियों को अपनी नेचुरल ब्यूटी से टक्कर देती हुई नजर आती हैं। पर अफसोस, अपनी नेचुरल ब्यूटी से टीवी इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों को टक्कर देने वाली अभिनेत्री की खूबसूरती इनके एक्स बॉयफ्रेंड की पत्नी के आगे फीकी पड़ गई। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीरियल बनू में तेरी दुल्हन के सेट पर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और शादी करने वाले थे, पर बाद में दोनों की राहें अलग हो गई थी। जहां दिव्यांका त्रिपाठी ने एक्टर विवेक दहिया के साथ शादी रचा ली थी, तो वहीं शरद मल्होत्रा ने रिप्सी भाटिया से शादी कर ली। जी हाँ, रिप्सी भाटिया ही है शरद मल्होत्रा की पत्नी, जो खूबसूरती के मामले में आपकी फेवरेट अभिनेत्री दिव्यांका को देती है टक्कर। जी हाँ, जहाँ दिव्यांका त्रिपाठी हमेशा एक सिंपल लिबास में नजर आती है, तो वही शरद मल्होत्रा की पत्नी वेस्टर्न आउटफिट से लेकर इंडियन कल्चर की ड्रेसेस में बेहद ही खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव नजर आती हैं। इसी के साथ जहां दिव्यांका त्रिपाठी पर कुछ ही ड्रेसेस खिलती हैं, तो वहीं शरद मल्होत्रा की पत्नी पर सभी तरह की आउटफिट्स जचते हैं। और शायद यही वे सभी चीजें हैं जो दिव्यांका से ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं शरद मल्होत्रा की पत्नी को। तभी तो आज दिव्यांका से ज्यादा रिप्सी भाटिया की फैन फॉलोइंग है। वैसे अगर आप भी इन दोनों की फोटोज को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शरद मल्होत्रा की पत्नी इनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शरद मल्होत्रा की पत्नी ज्यादा खूबसूरत है या फिर आपकी दिव्यांका त्रिपाठी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।